जेरी रहमान साहब। हाँ, मैं बस शुक्रिया स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर ने आज मुझे चौधरी बना दिया, तो चलें फिर चौधराहट दिखानी पड़ेगी कुछ। शुक्रिया जी। बजट स्पीचेस मैं कल भी सुन रही थी इस हाउस में और आज भी जारी हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम एक्सरसाइज है और पूरे मुल्क में हमें एक बात वाजे करनी चाहिए। मैं इस काबीना का हिस्सा भी हूँ, पीपल्स पार्टी है हमारी, सारी इत्तेहाद है, तो हम अपोजिशन की इज्जत करते हैं, लेकिन जो अवानों से बाहर बातें की जा रही हैं और जो अवाम की मुश्किलात हैं, मैं समझती हूँ यहाँ उनके बारे में कुछ वजाहत भी होनी चाहिए और कुछ हमारी तरफ से जवाबदेही भी होनी चाहिए। वो जवाबदेही इस तरह है स्पीकर साहब कि देखिए, यहाँ मैं खरी खरी बात कहूँगी, मुल्क के अंदर एक इक्तसादी बहरानी कैफियत महीनों से चल रही है। वो महीनों से इसलिए चल रही है क्योंकि हम विरसे 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 के फंदे की रोज बात सुनते हैं, दूसरे हाउस में भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं। यहाँ तो खैर पीटीआई के मेंबरान नहीं हैं, लेकिन हर जगह एक आप हैं जी, माफ कीजिएगा, आप अभी वापस आए हैं, गुड टू सी यू बैक। लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर हाउस नामुकम्मल होता है। तो इन हालात में मैंने वहाँ भी सुना, बाहर भी बड़ी गूंज है कि विरसे में हमें ये मिला। अभी तक जो हुकूमत 4 साल यहाँ राज करती रही, एहतसाब सरकार अपने आप को कह के, उन्होंने इस मुल्क को दिवालिये की तरफ ले जाने की कोशिश भी की। वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आप हैं, लेकिन साफ मैं कहूंगी कि आईएमएफ की बजट बेशक होगी, ये कोई इससे झूठ या इनहिराफ नहीं होना चाहिए। अगर ये आईएमएफ की बजट है तो आईएमएफ के इस इंतहा मुश्किल बजट के साथ कौन बांध गया है हमें, कौन बांध गया है? ये है तबाही सरकार, एहतसाब सरकार, जो आए थे 100 दिन में इनकलाब लाने, जिन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की थी। वो कशकोल उन्होंने क्या किया? सारा मसला इनकी शाहखर्चियां, इनकी तकसीम की सियासत और इनकी अपनी अना की सियासत की वजह से हुआ है। अगर एक दिन को के लिए भी कोई सियासतदान अपनी अना से हट जाए या मुल्क का जरा सा सोच ले, तो वो मुश्किल फैसले करते हैं। कैसे हो सकता है कि 24 अरब का बोझ था, 24 अरब का बोझ था पाकिस्तान पे कर्जों का। बहुत सारे ममालिक कर्जे बजट फाइनेंसिंग पे चलते हैं, बजट फाइनेंसिंग पे, डेफिसिट फाइनेंसिंग पे सॉरी चलते हैं, अमेरिका भी चलता है एक हद तक, लेकिन हमारे लिए ये एक हमेशा का अलमिया बना रहा है। ये कोई नई बात नहीं है और हमें इसका हल ढूंढना है। हर हुकूमत आती है जी हम हल ढूंढेंगे, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। ब्लेम गेम की सियासत जो है उसके आपने शाखसाने देख लिए, उसकी नतीजे देख लिए। मुल्क को जला डालो, दिवालिये तक ले जाओ, दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। आपका क्या ख्याल है, हमें कोई अच्छा लगता है हुकूमत हुए जब रुपया इस ढलान में है? आपका क्या ख्याल है कि आईएमएफ के साथ इस तरह बन जाना किसी को पसंद है? नहीं। लेकिन या तो ये था फैसला या वो फैसला था जो इस वक्त हम कर रहे हैं, या वो फैसला था जहां हम मुल्क को औने पौने लुढ़कने देते सीधे दिवालिये की तरफ। आखिर हमारा एक ब्रादर मुल्क श्रीलंका वहां जा चुका है और जो खौफनाक सूरत हाल दिवालिये में होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। पीटीआई की हुकूमत, मैं बबांगे दल कहूंगी, यहां ले जा रही थी, जिस तरह वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं, वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। उनको कोई सरोकार नहीं है टमाटर और आलू की कीमत से, जो असल मसला है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं किसी की तौहीन नहीं करूंगी कि मैं कहूंगी बजट ये है और उसमें ये खसारा है, ये फाइनेंस मिनिस्टर कर गए, ये उनका काम है, लेकिन मेरा काम है सच से किनारा कुशी नहीं करना।
ये हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दाव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा था। कोई हुकूमत ये कहना पसंद नहीं करती, लेकिन सबको नजर आ रहा है, सब पर जो बोझ पड़ा है, उस हुकूमत को अगर नहीं हटाते हम एक जायज पार्लियामानी जमहूरी अमल के जरिए, तो आपने देखना था कि पाकिस्तान के 70 साल के अखराजात और जो कर्ज लिए हैं उसका हजम और जो दिवालिए के सामने आप देखते क्या हो रहा है। देखिए स्पीकर साहब, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे छोड़ गए, 24 अरब का बोझ था। सारा मसला ये है, लब लुबाब ये है कि 24 अरब का बोझ था और वो किस 4 साल में क्या कर गए, वो आपको 41 अरब का तोहफा देके गए हैं। ये पूरी आवाम को इतनी बड़ी बजट खसारा क्रिएट हुआ है कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। फिर आपने अनफंडेड बजट आईएमएफ के प्रोग्राम को, अच्छा आईएमएफ से वादा भी कर लिया, वाह वाह, आप आईएमएफ से वादा करके आए, इंपोर्टेड हुकूमत तो आप हैं, आप आईएमएफ से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनीगला हेलीकॉप्टर में गए, पेट्रोलियम लेवी पे भी हाँ की, हर चीज पे हाँ की, और फिर बड़े धड़ल्ले से कहते कि जी ये क्या हो रहा है मुल्क, कल तकरीर में गए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह ये तो आपने किया है, आप ले जाने तैयार थे सीधा, और अभी भी वो नजर आ रहा है, वो आपके बिहेवियर में, आपकी सियासी सरगर्मियों में सब नजर आ रहा है। लेकिन अवाम तो पूछ रही है, अवाम पूछ रही है आलू टमाटर का क्या होगा, खुर्दोनोश का क्या होगा, खवातीन अपनी शॉपिंग लिस्ट देखती हैं आधी हो रही है, ग्रोसरीज कौन लेगा, किस तरह लेगा। ये इनकलाबी हुकूमत आपको दे गई है, और मैं ये भी कहूंगी, झूठ की कोई बात नहीं है, ये कहूंगी कि इसमें इस मुश्किल दलदल से निकालने, इस वेंटिलेटर से हटाने, इस दलदल से निकालने जो संगीन फैसले किए जा रहे हैं, संगीन फैसले, बहुत मुश्किल फैसले वो जो किए जा रहे हैं, वो इनकी वजह से हैं। आपने कर्जे डबल किए, अब इंटरेस्ट के साथ 50 अरब छोड़ गए आप, जो 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतें 23 आईएमएफ प्रोग्राम के साथ नहीं कर सकी, 70 साल में 23 आईएमएफ प्रोग्राम हुए। मैं किसी को क्लीन स्लेट नहीं दे रही हूं, लेकिन हम सब ने आईएमएफ प्रोग्राम्स मैनेज किए, उनसे इज्जत से निकले, कभी अवाम पर इस तरह का बोझ नहीं पड़ा खौफनाक किस्म का जो आज इनकी वजह से पड़ रहा है। और हमने गले लिया, और ये इस बात पर सबने पूछा कि आप इनकी गिरती हुई साख को क्यों गले लगा रहे हैं, आप इनके प्रॉब्लम्स को क्यों गले लगा रहे हैं, ये तो आपके किस तरह आप इलेक्शन में जाएंगे, बहुत मुश्किल सवाल है, और ये बहुत मुश्किल फैसला था। या तो हम वहां खड़े होके अपोजिशन की, मेरी तो बड़ी मजे की तकरीर होती, हम खड़े होके तकारीर करते, लॉन्ग मार्चेस करते, लॉन्ग मार्च हम कर भी लेते हैं, वादे करके भाग नहीं जाते, लॉन्ग मार्चेस करके हम तो अपनी साख बढ़ा रहे थे, सब हमारी तरफ देख रहे थे कि हमें निजात कब मिलेगी। तो या तो हम ये ढलान को, इस क्राइसिस को, इस स्लिपरी स्लोप को, जिसमें पाकिस्तान तेजी से एक गाड़ी की तरह, रेलगाड़ी की तरह नीचे जा रहा था, इसे ट्रेन रैक कहते हैं, ट्रेन रैक की तरह नीचे जा रहा था, या तो हम वो रोकते, उसमें ब्रेक्स लगाई जाती, वो ब्रेक्स ही लगी हैं और कुछ नहीं, शायद हुकूमती एहलकार मुझसे अग्री भी ना करें, बट वो सिर्फ ब्रेक्स लगाने का काम किया है पाकिस्तान की नई हुकूमत ने, यूनिटी गवर्नमेंट ने यही किया है, इसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। कोई हुकूमत, खास तौर से एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत, ये नहीं चाहती कि अवाम को इस तरह पर रोज बोझ डाला जाए, और बोझ आएंगे। हम में से बहुत लोग रातों को सोते नहीं हैं, हमारी रातों की नींद इसलिए हराम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह उठ के क्या कीमतें होंगी और सुबह उठ के क्या फैसले करने होंगे। या तो आप मुल्क को दिवालिया की भेंट चढ़ा दें,
वो जो चढ़ाने तैयार थे, जो 50 लाख विथ इंटरेस्ट, 50 अरब विथ इंटरेस्ट छोड़ गए 70 साल में, 22-23 IMF प्रोग्राम्स के बाद, वो ये कर गए 4 साल में, जो कशकोल तोड़ने वाले थे। क्या किया उन्होंने? कभी पाकिस्तान के ऑपोजिशन में, नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन में या सेनेट के ऑपोजिशन में कभी कोई बात की उन्होंने? क्यों क्यों नहीं की? क्योंकि वो पार्लियामान को कुछ नहीं समझते, और वो इस पूरे जमहूरी निज़ाम को, चाहे वो कितना भी लीकी हो, कितना भी मफलूज हो, उसको कुछ नहीं समझते। वो एक फर्द वाहिद के साथ एक कल्ट सिचुएशन चल रही है, एक कल्ट मूवमेंट बनाया हुआ है फुस्ताइयत का, फैशिज्म का, जिसमें उन्होंने माशरे को एक्सट्रीम तकसीम का शिकार बना दिया है, और पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अफसोस तो ये है कि आपसे बेहतर रिक्शा ड्राइवर हैं जो देख लेते हैं, जो अपने पेट पे इस वक्त पत्थर बांधे हुए हैं और भी पत्थर बांधेंगे, लेकिन हमारी अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, पाकिस्तान की अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी गरीब से ज्यादा। और इस कुर्बानी में आपने मुल्क को बचाना होगा। मैं उस पार्टी से हूं जब दहशतगर्दी का ऐसी आग लगी हुई थी इस मुल्क में कि समझ नहीं आ रहा था आज किसी स्कूल पे होगी, आज किसी मस्जिद पे होगी, आज ऐसा हेडक्वार्टर पे होगी, कहां कहां होगी, किस दरगाह पे होगी, किस मार्केट में होगी, सब भूल गए। पीपल्स पार्टी ने किस तरह किन कुर्बानियां दे दे के, और कल मोहतरमा शहीद ने अपनी कुर्बानी दी, कल उनकी सालगिरह थी, और उस शहीद ने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, मैं मुल्क को बचाऊंगी, आप बचाएंगे मैं बचाऊंगी, और फिर हम आज उसी नहज पे खड़े। पता नहीं कैसे पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमतों का हिस्सा हमेशा होती है जहां मुल्क को बचाना होता है, दलदल से निकालना होता है, और ये दलदल है। इस दलदल में इमरान खान न्याजी डाल के गया है मुल्क को, इसमें कोई अपॉलोजी नहीं है। ये IMF बजट बिल्कुल है, और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट उनकी थी जो ये मुआहदे करके, सारे मुआहदे वो करके गई। ये कच्चा छट्टा आवाम के सामने होना चाहिए, कौन से मुआहदे वो करके गए हैं, पेट्रोल लेवीज, फ्यूल की सब सब्सिडीज हटाने की, और उन्होंने मुआहदा किया अपने पैसे लिए और पैसे उड़ाए। वो अवाम को, जो बारूदी सुरंगों की बात की जाती है, ये भी पता था उनको वो जा रहे हैं। आपने शेख रशीद का बयान सुना है, उन्होंने कहा तो हमें 4 महीने से पहले पता था हम जा रहे हैं। ये मंसूबा बंदी थी आपकी कि हम सियासत इतनी एक्सट्रीम करें कि मुल्क को डुबो जाए, कोई बात नहीं, जला जाए, डुबो जाए, अवाम अपने वेंटिलेटर पे रहे। और इस वक्त ऐसा ही है, कोविड की भी आमद है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे डाला। और वो कहीं ये भी बात उन्होंने की कि जी हम तो एहतसाब, वो तो आपने सुना है कि वो तो एहतसाब करने आए थे मुल्क का, वो जो PM हाउस को यूनिवर्सिटी बना गए ना, वो देखी है ना अपने यूनिवर्सिटी जो PM हाउस को बना गए, वही वाली, उससे उधर से उन्होंने एहतसाब करना था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पे जो मुल्क में हाल किया है उन्होंने, 117 नंबर पे थे हम जब वो आए, जब वो गए हैं एहतसाब सरकार 140 नंबर पे थे हम, यानी कि इतनी इन्होंने खुद करप्शन की और किसी चीज की कीमत नहीं दी, चाहे वो BRT हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी हो। मैं आज बबांगे दल कहूंगी कि जो इस वक्त मुल्क में आगे लगी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ और हमारे दरख्त आतिशफशां क्यों हुए, वहां क्या किया गया। इससे मैं तफरीक करूंगी, एक 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं क्लाइमेट की वजीर हूं और क्लाइमेट और माहौलियात का सख्त बुरहान है, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं की, उन्होंने उसकी बात नहीं की। 10 बिलियन ट्री सुनामी में कौन सा सूबा सबसे आगे था, इसलिए बात नहीं होती थी। 10 बिलियन जो बड़ा प्रोजेक्ट है,
उसमें तो सिंध सबसे आगे है। मुझे खुद देख के शौक हुआ, वो कागजात मैंने देखे तो मैंने कहा अच्छा सिंध को तो कभी बुलाया नहीं जाता कभी किसी मीटिंग में, तो सारी मीटिंग्स घरों पे खुफिया तरीके से यहाँ की जाती हैं, पूरी हुकूमत में ऐसी होता है। हमारे दोस्त उनके अहबाब, चाहे वो रोजवेल्ट होटल बेचने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्होंने पीआईए को इस तरह क्रैश किया हुआ है कि अभी तक वो नहीं सर उठा पा रहे हमारे पायलट्स। याद है आपको, याद है जिस तरह मुल्क की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे थे, पीआईए को उन्होंने क्रैश किया, उन्होंने गंदम के बहरान को फैलाया, चीनी के बहरान को फैलाया, खुद कार्टेल में सर है। गंदम पाकिस्तान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, खुद कफील हो गए थे। फिर उन्होंने तेल एलएनजी बच्चों का खेल बनाया हुआ था। आज जो आप लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स 6-6 महीने 1-1 साल पहले दिए जाते हैं जी, जो औने पौने तेजी में जल्दी में उजलत में देते हैं उसकी डबल कीमत होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रोज चीख रही होती थी कि एलएनजी के ऑर्डर्स नहीं दिए हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? वो उसका इस वक्त आप सम्राट भुगत रहे हैं जो 4-4 घंटे 7-7 घंटे लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। आप मुझसे पूछे कि किसको ये पॉइजन चैलेंज कहते हैं ना, जहर का प्याला किसको हाथ लगाना था, ये छोड़ गए जहर का प्याला। लेकिन इंशाल्लाह ये हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी, अपने सर पे इनके सारे जराइम लिए हमने, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह ये इक्तसादी मॉडल जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, कोई मतलब कितनी दहाइयों से फंसा हुआ है, ये कर्जा जात की जो रेल पेल होती है इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा होता है। मगर ये मुझे कोई ना कहे कि आईएमएफ की ये बजट नहीं है और किसने इसको साइन किया। ये आईएमएफ है हमसे इस वक्त नाराज है कि आप लोग वो सख्त फैसले नहीं कर रहे हो जिसका वो वादा करके गए, वादा वो करके गए थे, और वादे की खिलाफी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में नहीं की जाती। आपका मुल्क दिवालिया होता है, डूबता है। एफएटीएफ हमने कोई क्रेडिट भी नहीं लिया, यहां बैठ के कोई 1 महीना दिन रात हमने अमेंडमेंट्स की, उनके साथ मिलके अमेंडमेंट्स की, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये तो नैब चाहते थे, नैब नैब नैब, खुद कहां हैं? अब सामना करें, हमें बताएं क्या है आपकी सियासत। आपकी सियासत वो है जब आप पाकिस्तान को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को चूल्हे में डालते हैं और कहते हैं कोई साजिश हुई। वो साजिश किसी को मिली आज तक? उसका खोज अभी तक है जी। मैं क्योंकि साफी रही हूं, मुझे भी बड़ा खोज है, वो कहां गई साजिश? किसी को मिली साजिश? नहीं। जिन इदारों का नाम उन्होंने लिया उन्होंने भी सारा दिखा दिया, वो टेलीग्राम्स, वो केबल्स, वो साजिश। फिर भी पर यहां बहुत से लोग हैं जो कहते हैं साजिश साजिश साजिश, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की है जी। अफसोस से मैं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि सारे सियासतदान ऐसे हैं, लेकिन लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं कि किस लेवल की ये सियासत हो रही है। वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्यों नहीं की उन्होंने लॉन्ग मार्च? क्यों बार बार भाग जाते हैं बनी गला, वहां से अंदर क्यों से क्यों नहीं निकल पाते? लोग नहीं जमा हो रहे क्या? लोग नहीं जमा हो रहे, और वो कहते हैं खून खराबे वाली लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे कैपिटल पे, खून खराबा होगा। किसका खून खराबा होगा? आपके मुल्क के लोगों का ही होगा ना। क्या अगर वो अपोजिशन में है वो जिंदगी के मुस्तहिक नहीं है? ये तफरीक की सियासत इस मुल्क को जला डालेगी। इधर ले जा रहे हैं वो, जब भी कोई फैसला होना होता है जो मुश्तरका होता है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होता है और अवाम की बेहतरी के लिए होता है, हमारी नहीं, मेरी नहीं, इस ऐवान के लोगों की नहीं, हम अशराफियां हैं, हमें कुर्बानी देनी होगी। लेकिन जब कोई मुल्क के लिए फैसला होता है वो मुश्तरका फैसला होता है, बिकॉज यू नो व्हाट, द पीटीआई हैज मिस्ड द मेमो दैट वी आर अ फेडरेशन।
We are a federation of four provinces. We have Gilgit-Baltistan and AJK, and they all need to be together to make a decision. इन्होंने कभी ये नहीं किया. इन्होंने कहा तकसीम करो मुल्क को. जो सूबे हमारे साथ नहीं है, जहां हम इलेक्शन नहीं लड़ के आ सकते, जिसको हम जहां रेल पेल नहीं है हमारी, वो तो उनको नथिया गली रेस्ट हाउस चाहिए ना, वो तो कर दिया गया उनके लिए तैयार, नो वरीज. लेकिन इश्यू तो ये है कि जब फैसले करने, और बहुत सारे मुश्किल फैसले आने, मैं तो आपसे कहूंगी आने वाले दिनों में ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है मुल्क में, वो माहौलियात की भी है, बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही है, पानी की भी. और यहाँ कुछ एक फाजिल मेंबर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, सोबर बातें करनी होंगी उन पर, उनके लिए हल निकालने होंगे. चारों सूबों के दरमियान इस वक्त पानी का तकसीम भी सियासत की भेंट चढ़ सकता है. नहीं चढ़ा है, क्योंकि हम सब ने मिल के बैठ की बात की है. बलूचिस्तान सिंध से नाराज हो सकता है, सिंध पंजाब से नाराज हो सकता है, पंजाब के पी और गिलगित बल्तिस्तान से नाला हो सकता है. ये बातें आतिश फिशा बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी. और इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे फाजिल दोस्तों, हमें इस बजट के बाद इन बातों पर अपना जहन साफ करना होगा, फोकस करना होगा. बड़े बड़े मसाइल जिनमें मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है तो ना हो, लेकिन हमें उन पर फोकस करना होगा. पानी की कल बात कर रहे थे बहुत अच्छे फाजिल मेंबर के, पर कैपिटल यूसेज में हमारा कितना हो गया. ये भी मैं याद दिला लूं, अपना एहतसाब हम खुद करें. पर कैपिटल यूसेज पाकिस्तान का सारी दुनिया में 4 टॉप ममालिक में से है. यानी कि हम जितना पानी जाया करते हैं वो मतलब 200-300 ममालिक नहीं करते. आप देखिए केप टाउन में क्या हो रहा है और कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, बहुत से ममालिक में क्या हो रहा है. रैशनिंग हो रही है पानी की. कैलिफोर्निया जो सबसे दुनिया का बावसाइल इलाका है इनोवेशन टेक्नोलॉजी में और वसाइल में, जितना पैसा कैलिफोर्निया में अमेरिका के पास नहीं है, सबसे ज्यादा. और वो कहत साली का शदीद शिकार है. वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ केप टाउन की तरह पानी की रैशनिंग हो रही है. केप टाउन वालों ने सबने फैसला किया कि हम इतने लीटर रोज पानी इस्तेमाल करेंगे. शावर 30 सेकंड का लेंगे. मैं भी अब मेंटल टाइमिंग करने लगी हूँ, इधर पानी बंद करो, उधर कार वॉश बंद कराओ. और मगर असल बहरान तो हमारे खेतों में है, जो 80% पानी इस्तेमाल करते हैं मुल्क का, 80% पानी हमारे खेतों में जाता है. उसके लिए भी, क्योंकि ज़रात ऑलरेडी क्राइसिस में है, उसके लिए भी हमें दूरस सस्टेनेबल देरपा हल ढूंढने होंगे. इन चीज़ों के लिए, पानी जो हमारी हयात है, जो हमारा दरिया इंडस है, उसके लिए हमें हल ढूंढना होगा. उसमें हमने इतनी गन डाली है, चाहे वो केपी हो या पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, हमने डेल्टा ख़त्म कर दिया है उसका, और इतनी गन डाली है उसमें बगैर सोचे, लापरवाही से, कि अब वो खुद से वापस नहीं आ सकता, वो जी नहीं सकता, वो आपको हयात नहीं दे सकता, ना उसकी हयातियात सपोर्ट करने की अब सकत रही है. जब आपके घरों में पानी नहीं आएगा, और जब आपको पानी की बोतल का की कीमत चौगनी होगी या मिलेगी भी नहीं, तो आप सोचें उन शहरों में जहां लोग पंप से